बिहार में शिक्षक बनने का सपना अब साकार होगा। शिक्षक भर्ती को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। ये प्रक्रिया पूरे होते ही बीपीएससी से इसी साल के अंत तक दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक अगर वैकेंसी नहीं भी आती है तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। खबर ये भी है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80 हजार पद खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1,50,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एसटीईटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद नवंबर या फिर दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी ले ली जाएगी। अगली बार की वैकेंसी में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिलों से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 35,000 बताई गई थी। वैकेंसी नहीं आने का कारण बताया गया कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से लेकर 8 तक के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से लेकर 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए लगभग 1900 पदों के लिए रिक्ति आती, इसलिए इसे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल कराया जाएगा। हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए एसटीईटी भी हो रहा है, आवेदन भी लिए जा रहे हैं। नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा और इसके बाद नई वैकेंसी आएगी। बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया कि पहले फेज के बाद दूसरे चरण में भर्ती की जाएगी।